So write the differential form of f, which is partial f over partial y dy plus partial f over partial y prime into dy prime plus partial f over partial z into dz plus partial f over partial z prime into dz prime. इसको इक्वेशन नंबर 3 कह रहे हैं. अब पार्शियल f और पार्शियल y जो है फ्रॉम आयलर लग्रांज इक्वेशन 1 माइनस d बाय dx पार्शियल f और पार्शियल y prime. डायरेक्ट f डिफरेंशिएट नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज़ f इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. तो चेन रूल लगा दें d बाय dy पार्शियल f और पार्शियल y prime dy बाय dx dy बाय dx y prime बन जाएगा. अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर दें. पुट करने के बाद सेपरेट द वेरिएबल. इसी तरह आप इक्वेशन नंबर 2 के साथ भी कर लें जो 1 के साथ किया था. सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 dz is equal to partial f or partial z is equal to z prime into b partial f or partial z prime using a and b in equation 3. इसको इक्वेशन 3 में यूज करें. यहां पे इक्वेशन 3 में यूज करें तो df आपके पास इस ये सबसे कॉमन ले लें. ये इन दो पे तीनों पे बल्कि तीनों पे आप डिफरेंशियल को अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा. और यहाँ से d हटा दें आप तो ये बन जाएगा. यहाँ तक ही काफ़ी है. एग्जांपल नंबर 4 तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं.